फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, चार बदमाशों के मकान जमींदोज, प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही। आज शहर के चार बदमाशों के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला, वहीं एक अन्य बदमाश का मकान सील किया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला प्रशासन ने एक बार फिर गुंडे बदमाशों के मकान तोड़ने की मुहिम शुरू की है। कल भी तीन बदमाशों के अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे, वहीं आज भी बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सबसे पहले सुबह महाकाल थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाश अयाज लाला के बेगमबाग स्थित घर पर हथौड़े चले। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित कई गंभीर अपराध पंजीकृत हैं। इसी तरह नीलगंगा थाना क्षेत्र में करीब तीन बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके मकान भी जमींदोज कर दिए गए। इसमें लेडी डॉन रानी सोदे भी शामिल है। इसके अलावा एक अन्य बदमाश का मकान सील कर दिया गया। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि प्रशासन द्वारा एंटी माफिया अभियान के तहत गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जैसे कि शासन का जो गाइडलाइंस रहती है हमारे पास एंटी माफिया अभियान, उसी के तहत उनके मकानों को चिन्हित किया जाता है जिनके अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी श्रृंखला के अंदर थाना नीलगंगा के अंदर तीन लोगों के अवैध मकान को जमींदोज किया गया है, जिसके अंदर पहला रानी सौदे उर्फ उसके पुत्र कुणाल सौदे, उसके कुल 13 अपराध थे, रानी सौदे के कुल 6 अपराध थे। तो उसी के तहत उनके अवैध मकान के हिस्से को तोड़ा गया है। इसके बाद भैरू उर्फ पिता हुकम सिंह, उसके भी 10 के आसपास अपराध हैं, तो उसके घर को भी, अवैध घर को भी तोड़ा गया। उसी प्रकार अभी हम प्यारे लाल के यहाँ पे आए हैं, अभी इनके घर को भी अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है।